राजू भैया पहले तो ढेरों बधाई, और ये बताइए कि ये बधाई का पान जो आप पहले से कहां से खा के आ रहे हैं? स्टार वन ने पान खिलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम बहुत हिट हुआ, सारे कलाकार बहुत हिट हुए, शुक्रिया फिर से। लेकिन एक बात है कि आप लोगों के हिट होने से हम लोग सीवियरली हिट हो गए। ग्रेट। हाजी अली की दरगाह हो या महालक्ष्मी का मंदिर, उसके बाहर जो रास्ते पे जो भिखारी बैठे होते हैं, मुझे लगता है ये दुनिया के सबसे बड़े एक्टर हैं। जब तक आप उधर से नहीं निकल रहे हैं, लोग उधर से नहीं जा रहे हैं, तब तक वो एकदम रिलैक्स बैठे रहते हैं, उंगलियां भी सीधी रहती। हाँ, आपस में बोलते हैं, काना खाया? हाँ, काना खाया? वो बोल, नहीं, वो बर्गर पिज्जा ऑर्डर दिए। पानी पिया क्या? मोबाइल पे बोला भी लाए नहीं। और जैसे ही आप उधर से निकले, आपको देखते ही उनका धंधा चालू। अल्लाह अल्लाह, कई बार आदमी घबरा जाता है, मैंने क्या किया यार। अभी तक ठीक था, इसको करंट किसने दिया? और ये जो कुछ तो होते हैं असली बाबा, कुछ होते हैं बने हुए जिनका मकसद है सिर्फ पैसा कमाना। ये क्या करते हैं, कई बार 10-20 को छोड़ के किसी एक को बुलाते हैं, तो जिसको बुलाते हैं उसको लगता है मेरे में कोई बात है, और उसको ऐसे बोलता है, इधर आ, तू नसीब वाला है, तू अल्लाह वाला बंदा है, क्या तेरे पाप से बाबा को दे दे, याद रख हक मौला बाबा को दे, याद रख तू नसीब वाला है, बाबा ने तुझसे मांगा है हक मौला बाबा को दे दे। अरे इतना डरा क्यों रहे हो? क्या तेरे पाप थे, बाबा को दे दे। अच्छा, ये लो दे। हाँ, ये लो। तूने दिया, बाबा खुश हुआ। अब मांग मांग, क्या मांगता है, मांग ले, मेरे पैसे वापस दे। राजू भाई वो बाबा था कि टेररिस्ट था? ये तो टेररिस्ट से भी बढ़िया। बॉम्बे की जो जान है, लोकल ट्रेन की बात बताऊं मैं आपको, मुझे कभी कभी लोकल ट्रेन को देख के बहुत दया आती है उसके ऊपर। मुझे लगता है इसके साथ चीटिंग हुआ है, यार्ड में उसको बताते नहीं है कि तुम्हारे अंदर आज कितने लोग घुसेंगे। वो बेचारी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग नहा धो रही है, फ्रेश हो रही है, एकदम रेडी होके पहली लोकल बोरीली में आके ऐसे खड़ी होती सज के। गाड़ी, क्या बात, बॉस ऐसे खड़ी हो गई, बस लोकल, क्या बात है, क्या बात है, मॉर्निंग पहली लोकल फ्रेश होके खड़ी प्लेटफॉर्म नंबर एक। चलो घुसो, घुसना स्टार्ट करो। तो 400-500 लोग घुसे तो लोकल जरा सी हिलती है ऐसे, फिर 1,500-2,000 हो गए, 1,500-2,000 हो गए तो थोड़ी और हिली, 5,000-7,000 हो गए तब बोलती है, और ट्रेन नहीं है क्या? मेरे को बोला नहीं था कि 4 की जगह पे 16 बैठेंगे? नहीं तो मैं चर्च गेट नहीं सूरत जाती थी। ये जाड़िया भी इसी में घुसेगा क्या? ये टकला भी इसी में आ रहा है, भैया भी आ रहा है, ग्रीन सिग्नल दे दो, मेरे को निकालो इधर से, ग्रीन सिग्नल दे दो, ग्रीन सिग्नल। बोरी वाली से चली, कांदी वाली देख देख के खुश हो रही, शायद उधर मैं खाली हो जाऊंगी, शायद उधर मैं खाली हो जाऊंगी। कांदी वाली ट्रेन रुकी, 3 उतरे, 3,000 चढ़ गए, सत्यानाश है। खाली घुसते रहते हो, मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं है। मैं किसी दिन बांद्रा और माहिम के बीच पलटी मारूंगी, उधर ही मेरे को मालूम नहीं पड़ता ये लाइन में जाना है कि ये, मैं अपने बच्चे लोग ये लाइन में नहीं डालूंगी। और अंदर ट्रेन में इतना रश, एक एक आदमी ऐसा ऐसा, बड़े बड़े ऑफिसर देखा बाहर लटके रहते हैं नट बोल्ट में, एक एक नट बोल्ट पे लोग ऐसे 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 जाते हैं। इतने रश में अगर आपको खुजली लगे तो ढूंढना पड़ेगा बॉडी किधर है, आपके दोनों हाथ ऐसे हैं, ढूंढना पड़ता है बॉडी किधर। जब आप खुजाते हैं तो बाजू वाला सोते सोते बोलता है, अपना अपना खुजाओ। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। और आप काउंट नहीं कर सकते कि डब्बे में कितने लोग हैं। अगर कोई ठीक से काउंट करता है तो वह ऊपर लगाओ पंखा काउंट करता है, वो भी पूरे फ्रस्ट्रेशन के साथ,
वो भी घबरा के बंद होता है, पावर गया पंखा, खड़र खड़र खड़र, फिर पब्लिक को ऐसे देखता है। उसके बाद गर्मी, गर्मी में पसीना, पसीना सबसे पहले निकलता है कान के पीछे, पहली बूंद धीरे धीरे नीचे जाती है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके दोनों हाथ ऐसे हैं, सिर्फ बूंद जहां जहां गुजरती उधर उधर ठंडा लगता है। तो मालूम पड़ता है क्रॉसिंग कहां चल रही है। और एक एक हैंडल में मैंने देखा 27-27 हाथ, घड़ी चैन अंगूठियां फंसी हुई, हैंडल की शक्ल ऐसी रहती है। हैंडल को रिलैक्स फील होता है सिर्फ दोपहर को एक घंटे के लिए, 2 बजे से 3 बजे तक रश कम रहता है, हैंडल बड़े खुश रहते हैं। हैंडल की शक्ल देखिए, जब फास्ट लोकल चलती है तो हैंडल की खुशी ट्रेन चर्च गेट पहुंच भी नहीं पाती है, लोग उतर भी नहीं पाते हैं, चढ़ने वाले धपाड़ धपाड़, जो बीच में खड़ा है वो रोल होता है, रोल होता रहता है। और सीट पकड़ना भी एक आर्ट है मुंबई में लोकल ट्रेन में, वापस आने के लिए लोग सीट पकड़ते हैं, चारों बाजू ट्राई करते हैं कहीं तो सीट मिले। आज गर्दी वो तेरे, ये लोग आए किधर से, आते तो जाते किधर है, जाते फिर क्यों आते। इतना बोले ही था कि यहाँ पर एक काका बैठे थे, उन्होंने बैठे बैठे कहा बेटा महालक्ष्मी आए तो बोलना महालक्ष्मी। इनको लगा ये पहले उतरेगा, आधी बॉडी दे के बुकिंग दे दी, बॉडी टच कर दी उसके कंधे पे कि यहां मैं ही बैठूंगा। अब एक एक स्टेशन गिन रहे हैं, मरीन लाइन गया, ये गया, वो गया, ग्रैंड रोड गया, जैसे महालक्ष्मी आया वो चाचा सो गए, उनको जगाए, काका काका महालक्ष्मी आला आला महालक्ष्मी आला, देवा रे देवा, देव से फूल निकाले चला दे जाके। गुरु कुछ फूल हमारे पास होते तो हम तुम्हारी तरफ ही फेंकते, बहुत कमाल किया, वंडरफुल, बिग हैंड फॉर राजू। Wasn't